नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिंसिपल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं चित्रांशु पांडे और हम आज एक बार फिर से इस पीटी स्पेशल श्रृंखला का अगला वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम जो है हिस्ट्री के एंड कुछ प्रीवियस ईयर और उससे मिलते जुलते इसी स्तर के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हड़प्पा सभ्यता। आज हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ यूपीएससी स्तर के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा असत्य है। मैंने इसको इतना बोल्ड करके इसलिए पढ़ा कि जनरली होता क्या है, जब हमारे पास 3 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट आता है तो हम शब्दों को स्किप करके या कथनों को बहुत तेजी से पढ़ते हैं, और ऐसे में ऐसे वर्ड कौन सा एक सही पढ़ के हो सकता है आप निकल जाए और नहीं शब्द को पढ़े ही ना। अब इसमें आप सही वाला चयन करेंगे और उसको टिक कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, उसके नंबर जाएंगे जाएंगे, साथ में नेगेटिव मार्क भी कटे होंगे। तो ऐसे में आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, कौन सा एक सही नहीं, यानी असत्य कथन को छांटना है। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा के किसी भी स्थल A to Z आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा के आपके आप भारत और पाकिस्तान को मिला के देखा जाए तो लगभग 1500 से अधिक स्थल देखने को मिल चुके हैं, और इनमें से किसी भी स्थल में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विपरीत मंदिर नहीं मिला। क्या ये बात सही है या गलत? तो आपको पता होना चाहिए ये कथन सही है। क्यों? क्योंकि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है, और ऐसे में होता क्या है कि हम उन दोनों सभ्यताओं के बीच समानताएं और असमानताओं का परीक्षण करते हैं। ऐसे परीक्षण करने में हमें ज्ञात होता है कि जहां एक और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है धार्मिक स्थलों की उपस्थिति देखी जा सकती है, एक धार्मिक वर्ग को देखा जा सकता है, उसके ही नितांत विपरीत जो है हड़प्पा में ऐसा कोई भी धार्मिक स्थल हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि सुतकांगेडोर में एक हमको अवशेष मिला है स्थल का, जिसे कुछ इतिहासकारों ने मंदिरों से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि अभी ये चीज सिद्ध नहीं हो पाई है और पुख्ता रूप में प्रमाणित नहीं है, तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा के किसी स्थल में कोई मंदिर जैसा अवशेष प्राप्त हुआ है, और ये कथन बेटा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये बात सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है, सैंधो सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सांकेतिक मुद्राओं में यहाँ के विकसित व्यापार वाणिज्य का पता चला। तो एक बार फिर से थोड़ा सा आपको घुमाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे कि सैंधो सभ्यता में विकसित व्यापार वाणिज्य था, बिल्कुल था, यहाँ तक कि हमें मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुआ शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका संबंध हड़प्पा से जोड़ा जाता है। तो व्यापार वाणिज्य ना सिर्फ आंतरिक था बल्कि बाहरी स्तर पर भी बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा था, लेकिन समस्या क्या है कि ये कह रहा है सांकेतिक मुद्राओं से। अब सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये है कि मुद्रा को अगर हम ले लें सिंपल रूप में, जनरली आप प्राचीन भारत में कॉइन्स को देखेंगे, तो क्या हमें हड़प्पा सभ्यता में किसी प्रकार के कॉइन्स को प्राप्ति हुई है? हमें एक आध कॉइन जरूर मिला है, लेकिन समस्या क्या है कि अभी तक मानव ने अभी तक मुद्राओं के माध्यम से कोई व्यापार करना नहीं सीखा। अधिकांश व्यापार इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, एक प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें होता क्या है कि जो भी वस्तु आपके पास अधिशेष है और जो सामने वाले के पास अधिशेष है उनको हम आपस में बदल सकते हैं, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही क्या होता है, व्यापार। तो इसलिए स्टेटमेंट बेटा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आंसर आपका मिल चुका है कौन सा सही नहीं है और आंसर है आपका बी। फिर भी हम एक बार देखेंगे दोनों चीजों को। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई, सही बात है, और इसके साथ ही आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की एक विशिष्ट विधि भी माने जाने लगी। तो आपको पता होना चाहिए जो लिंग के सबसे प्राचीनतम अवशेष हैं हड़प्पा काल से मिलते हैं, और आगे चलकर आपको पता है शिवलिंग की पूजा के रूप में लिंग की एक लिंग जी महाराज की पूजा भी की जाती थी, और बाद में शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक भी माना जाने लगा। तो ये भारतीय समाज में हिंदू धर्म में जो है मुख्य रूप से स्थापित हो गया। कथन सही है, हड़प्पा से प्राप्त एक मृणमूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकालते हुए दिखाया गया है, जैसे उर्वरता की देवी माना जाता है। मैंने आपको कई बार क्लास में भी इसका एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी एक मूर्ति हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है जहां पर एक स्त्री के गर्भगृह से जो है पौधे की उपस्था हुआ दर्शाया गया है, और माना गया है कि ये उर्वरता की देवी। तो इस तरह से धरती माँ जब हम बोलते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं यहीं से निकलकर सामने है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर बेटा क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि बी ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है, गलत।
अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, कौन सा या से सही है, कौन कौन से करेक्ट है आपको बताना। हड़प्पा निवासी बृहद स्तर पर चावल की खेती करते, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए क्या खेती होती थी। हाँ होती थी, नवपाषाण काल के बाद से खेती लगातार होती है, पर समस्या क्या है कि चावल की खेती करते थे कि नहीं, और करते भी थे तो एक वर्ड पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, वो है क्या, बृहद। बृहद का मतलब बहुत बड़े स्तर पर चावल की खेती करते, तो क्या ऐसा होता था। तो आपको पता होना चाहिए कि दालों की खेती होती थी हड़प्पा काल में, जौ की खेती होती थी हड़प्पा काल में, तिल की खेती होती थी हड़प्पा काल में, इन सभी की खेती होती थी, लेकिन चावल के अवशेष हमको बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं हुए हैं। गुजरात में लोथल के करीब हमको कुछ अवशेष चावल के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रूव होता है कि हड़प्पा काल के जो लोग हैं वो चावल से परिचित थे। पर चूंकि एक वर्ड यहाँ पर यूज किया है क्या, बृहद स्तर, तो बृहद स्तर पर जिस तरह के हमको अवशेष इनके प्राप्त होते हैं वैसे अवशेष चावल के प्राप्त नहीं होते, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, हड़प्पा निवासी सिंचाई के लिए नहर के पानी का उपयोग करते थे। तो क्या यह बात सच है, तो हमें पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश नगर हैं उनमें जल निकासी प्रणाली उनकी एक विशेष कह सकते हैं विशेषता है, और ऐसे में जल निकासी प्रणाली है और नहर भी हमको कहीं ना कहीं अस्तित्व में आती हुई दिखाई पड़ती है। पश्चिमोत्तर भारत के कई हड़प्पा के स्थलों से आपको नहरों के अवशेष प्राप्त हो जाएंगे, तो ऐसे में स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। इसके पश्चात हड़प्पा बस्तियां दो भागों में बटी हुई थी, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। जनरली जब हड़प्पा सभ्यता का अध्याय पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो पहले कुछ स्टेटमेंट में ये आता है कि अधिकांश शहरों को दो भागों में बटा हुआ होता जाता था, एक होता था पश्चिमी भाग जो टीलेनुमा होता था, और एक होता था पूर्वी भाग जहां पर आम जनता के लिए बड़े स्तर पर घर मकान बने हुए थे। इस तरह से दो स्तरों में बटा हुआ आपके शहर होते, तो ये कथन बेटा क्या है, सही। हालांकि एक आध जगह आपको ये शहर तीन स्तरों में या फिर एक ही इस तरह बटा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो अपवाद है, अधिकांश दो भागों में बटे हुए। स्टेटमेंट क्या है, सही। तो कौन सा सही है आपको बताना है, दूसरा और तीसरा आपका सही है, आंसर हो जाएगा क्या, सी। मैं इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में फिर से विचार करने को बोल रहा है, चलिए विचार करते हैं। इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पश्चिम में सुतकांगे डोर से लेकर पूर्व में आलमगीर और उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक, तो क्या यह बात सच है। तो अगर भारत के मानचित्र में, सॉरी भारत और पाकिस्तान के मिलजुले मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बात सही है, क्योंकि मांडा इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है जो कश्मीर में स्थित है, दाइमाबाद इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो महाराष्ट्र में स्थित है, साथ ही सुतकांगे डोर इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है जो आपका कहाँ स्थित है, आज के पाकिस्तान में आप मान सकते हैं, और आलमगीरपुर इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो आपका उत्तर प्रदेश में बेटा स्थित है। तो क्या ये चारों चीजें मैच हो रही है, बिल्कुल मैच हो रही है, स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला स्टेटमेंट, हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अच्छा एक चीज करिए आप, अगर आप इसको, आपको मालूम है कि चारों नगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके बीच की क्या क्या दूरी है, यानी नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट के बीच की क्या क्या दूरियां रही हैं हड़प्पा सभ्यता की, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला स्टेटमेंट, हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, क्या ये बात सही है, तो ये बात सही नहीं है। कारण क्या है, सबसे बड़ा स्थल जो है वो है आपका मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हड़प्पाई कालीन स्थल है, जबकि हड़प्पा उससे छोटा है इन टर्म्स ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द टाउन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा सही है, केवल एक, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में फिर से विचार करना है, विचार करेंगे हम, देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त नीलम का आयात अफगानिस्तान से किया गया, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बहुत दूर दूर से चीजों को मंगाया जाता था। मैंने अभी आपको बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्राप्त एक अभिलेख में मेलुहा शब्द का जिक्र है, जिसे हम लोग इतिहासकार हड़प्पा से जोड़कर देखते हैं।
तो वहां तक अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो अफगानिस्तान तक तो कर ही सकते हैं। अब चूंकि बात अगर फैक्ट पे आते हैं तो क्या नीलम का आयात अफगानिस्तान से होता था? बिल्कुल सही बात, नीलम का आयात होता था। एक और मड़ी मंगाया जाता, लाजवर्द मड़ी को भी मंगाया जाता था। तो ये बात सही है। बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था, क्या ये सही है या नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता में कुल 5 बंदरगाह शहर मिले हैं। कुछ प्रमुख अगर मैं बताऊं आपको, तुम्हें लोथल का नाम सबको पता है, कुंतासी का नाम सबको पता है, बालाकोट का नाम सबको पता है। ये कुछ प्रमुख बंदरगाह शहर हैं जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए। अब चूंकि कह रहा नहीं था तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत। इसके पश्चात जल दोहन प्रणाली हड़प्पा शहरों की विशेषता नहीं थी। जल दोहन, जल निकासी की बात नहीं कर रहा है, कंफ्यूज ना होइएगा। जल निकासी जो है व्यवस्था विशेषता थी। तो आपको पता है अच्छे से कि हड़प्पा शहरों में समकोण पर काटती हुई सड़कें और उनके साथ मकानों के किनारे बनी हुई नालियां थी जो खराब जल को या प्रदूषित जल को शहर से बाहर निकालती थी। क्या जल दोहन प्रणाली विशेषता थी? यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये विशेषता भी थी, क्योंकि जल दोहन करना भी हड़प्पा सभ्यता के लोग बेहतर ढंग से जानते थे। नहरों का निर्माण होता था, तालाबों का निर्माण होता था, कुओं का निर्माण होता था और वहां से जल निकाला जाता था। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। कौन सा है सही है भाई? तो सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा केवल एक ए। इसके पश्चात अगर हम देखें तो सिंधु संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक बार फिर से हड़प्पा सभ्यता के कुछ कथनों पर आपको विचार करने को बोल रहा है, तो करते हैं विचार। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर या सील में एक योगी को ध्यान मुद्रा में पद्मासन लगाए हुए दिखाया गया। तो याद करिएगा क्लास का वो इंसिडेंट जब मैं आपको सील दिखाई थी और मैंने बताया था कि कैसे एक योगी की हमको सील प्राप्त हुई है, मुहर प्राप्त हुई है, जिसमें वो योगी जो है एक मुद्रा में बैठे हुए हैं, पैर पे पैर डालकर, हाथ पे हाथ रखकर, और वो मुद्रा जो है पद्मासन से काफी मिलती जुलती। ये बात क्या है, सही है। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर यह कह रहा है क्या कि हड़प्पा से वो मुहर प्राप्त हुई। अब आपको देखना है कि क्या सच में हड़प्पा से वो मुहर प्राप्त हुई है बेटा। तो आपको पता होगा कि वो मोहर जो है हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुई है, ये मोहर आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके पश्चात अगर हम देखें तो उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, एक भैंसा है और साथ ही में पैरों पर एक हिरण है। तो काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। चलिए एक बार मोहर को देख ही लेते हैं कैसी थी भाई। तो कुछ इस तरह की मोहर आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर पद्मासन मुद्रा में आपको बैठा हुआ योगी दिख जाएगा, एक बाघ दिख जाएगा, एक आपको गैंडा दिख जाएगा और जो भी वर्णन दिया गया एक हाथी आपको दिख जाएगा। पर समस्या ये है कि हिरण की संख्या कितनी है बेटा, 2 है, एक नहीं है। और ऐसे में जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कैच ये है, इन्होंने एक ही हिरण बताया है और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो ऑप्शन होगा क्या आपका, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं इसमें, ऑप्शन होगा आपका ना तो एक और ना ही बी, दोनों ही क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो संभवतः आंसर उसका डी होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हम मान सकते हैं डी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नए UPSC लेवल के MCQ लेकर।